जय हिंद एवरीवन। एक दो दिन पहले एक खबर आई थी कि यूपी बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन कर दिए गए। कारण क्या बताया गया? कारण बताया गया कि कोरोना वायरस नहीं, पंचायत चुनाव। कोरोना वायरस के कारण उनका एग्जाम नहीं टाला गया है। तो जिन बच्चों को लगता है कि यूपी बोर्ड के एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं, तो उसी कारण से सीबीएसई बोर्ड के भी एग्जाम पोस्टपोन किए जाएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, हालांकि जो चीज हम सोच रहे हैं और जिस चीज के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि कोरोना वायरस जिस तरह से तेजी से बढ़ रहा है, पिछले दिनों की बात बता दूं, 1,31,000 से भी ज्यादा केसेस आए हैं। तो जिस हिसाब से स्थिति बन चुकी है कोविड की, केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इस समय पेरेंट्स और बच्चे बहुत डरे हुए हैं। डरना लाजमी है, हर कोई अपने हेल्थ के लिए सबसे पहले सोचता है। एग्जाम वो इस साल नहीं अगले साल दे देगा, वो हो सकता है कि प्रमोट हो जाए, वो हो सकता है किसी तरह से पास हो जाए, लेकिन उसका हेल्थ सही रहना चाहिए। क्योंकि आप जब तक खड़े रहेंगे तभी तो आप काम कर पाएंगे, तभी तो आप पढ़ पाएंगे और तभी तो आप फ्यूचर में कुछ कर पाएंगे। तो यार, ये गवर्नमेंट आपकी बात सुन रही है या नहीं सुन रही है, लेकिन बहुत सारे लोग आप सभी लोगों के लिए लड़ रहे हैं। उन्हीं में से एक जो बड़े नाम है, मैं उनका नाम बड़े ही रेस्पेक्ट के साथ लेना चाहता हूं, वो है एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव। में एक ये एडवोकेट है जो आपके लिए आज से नहीं, 1.5-2 साल से सभी बच्चों के हित के लिए लड़ती हैं। मैं उनके कुछ ट्वीट पढ़ता हूं जो 1-2 घंटे पहले अभी उन्होंने किया है, कि अभी भी वो बार बार पिटीशन दायर कर रही हैं कि कैंसिल किया जाए एग्जाम। सबसे पहले तो वो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बहुत अच्छे तरीके से कहती है, जिस तरह से कांग्रेस जो कि बीजेपी के अपोजिट में इस समय सरकार में नहीं है, अभी देखिएगा कुछ दिनों बाद वो बोलने लगेगी कि एग्जाम कैंसिल कराया जाए। उससे पहले मैम ने ये उनसे कहा है कि अगर आप भविष्य में बोलने वाले हैं या अब बोलना शुरू करने वाले हैं, उससे पहले आप अपनी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देखिए कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट कराने जा रही है। महाराष्ट्र में आपको पता होना चाहिए कि जितना इंडिया में केसेस आ रहे हैं, 50% से ज्यादा केसेस महाराष्ट्र में आ रहे हैं, और वहां पे ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट कराया जाने वाला है। तो गवर्नमेंट को और जो विपक्ष में सरकार है, सबको ये चीज सोचना चाहिए कि किसी एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद में देखना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है और हम बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। अब बात करते हैं कि आज क्या होने वाला है। यार देखो, कल मैंने देखा कि मीडिया में भी अब आपकी बातें चल रही हैं, आपके लिए कुछ शो कराए जा रहे हैं, 1-1 घंटे का शो कराया जा रहा है, लोग डिबेट कर रहे हैं। तो ये जान के मुझे अच्छा लगा, क्योंकि देखिए ट्विटर पर ट्रेंड कराने से पिछले कई सालों से मैंने देखा है सरकार किसी की नहीं सुन रही है, लेकिन अगर मीडिया में बात हो रही है तो हो सकता है मीडिया डायरेक्ट गवर्नमेंट तक पहुंचे, मीडिया के कुछ रिपोर्टर जाके गवर्नमेंट से बात करे कि ऐसा क्यों करवाया जा रहा है, जब केसेस बढ़ रहे हैं तो बच्चों के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ देखने में आया है। बात अब करते हैं कि ट्वीट करने से क्या होगा। ट्वीट देखो हो रहा है, ट्वीट अभी मास में भी ट्वीटेड होने लगेंगे, तब वो क्या किया जाएगा ना, ट्वीट हटा भी दिए जाते हैं। ये गवर्नमेंट बड़े ही दूसरे तरीके से काम करती है, तो इसमें बच्चों आप लोग इसके ट्रैप में मत फंसिएगा, आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा। प्लीज एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखिएगा कि आप अपनी पढ़ाई को मत रोकिएगा, क्लियर। तो यार देखो, सरकार आपकी सुनने वाली है या नहीं सुनने वाली, ये सब बातें अलग है, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, ट्वीट वगैरह चलते रहेंगे। हाँ, ट्विटर पे मैंने एक चीज और देखी कि वो एक पिटीशन दायर की जा रही है, सॉरी एक फॉर्म भरा जा रहा है जिसमें बच्चों से ये भरवाया जा रहा है कि हम एग्जाम कैंसिल करवाए जाने। तो मुझे ये नहीं पता है कि वो कितना सच है या कितना गलत है, लेकिन प्रयास जितने लोग अपने लेवल पर कर रहे हैं, और वो बिल्कुल कर रहे हैं, और हम सबको करना चाहिए, और हम सब यही चाहते हैं कि आपके एग्जाम या तो पोस्टपोन्ड हो, जब कोरोना वायरस फिर से अपने स्थिति डाउन करे एकदम थोड़ा सा, फिर से जैसे 20-30 हज़ार केसेस आ रहे थे उस स्थिति पर पहुंचे, तब आपके एग्जाम करवाए जाए, या फिर आपको इंटरनल असेसमेंट के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए जाए। तो आप क्या चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और क्या हो रहा है इस समय, मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया कि इस समय आज की स्थिति क्या है, मीडिया में क्या चल रहा है, ट्विटर पे क्या चल रहा है, एडवोकेट मैम आपके लिए क्या कर रही है। तो बहुत सारी चीजें आपके साथ चल रही है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। और इसी चैनल पर आपको क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम की भी प्रिपरेशन कराई जाती है, और साथ ही साथ NTSC जैसे बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। तो जो भी बच्चे, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को प्रिपरेशन कराना चाहते हैं NTSC एग्जाम को, एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन देखिए, वहां पर आपको पता चलेगा कि ये चैनल किस चीज के लिए है और यहाँ पर क्या होता है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आप अपनी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको कुछ समझ में आया, कुछ अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।